हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना जो किचन का बजट रिलेटेड वीडियो है वो कब शेयर करने वाले हैं, सो आई थॉट कि मैं अलग से किचन के ऊपर वीडियो बनाती हूँ जिसमें सिर्फ बजट के बारे में हम बात करेंगे। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले ये वीडियो जो रहने वाला है थोड़ा लंबा रहेगा बिकॉज मैं इन डेप्थ चीज़ें शेयर करूंगी। आधा अधूरा चीज़ें शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो आई एम श्योर ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनको फ्यूचर में अपना किचन डिजाइन करवाना है, रेनोवेट करवाना है, या जिनका किचन अभी बन रहा है। सो यस, सबसे पहली दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे स्टार्टिंग में अपना एक पेज बनाइए, उसमें लिखिए, जिस पे भी आप लिखते हैं डिवाइड करिए, सबसे पहले बड़े बड़े लेटर्स में अपना बजट लिखिए कि आपका बजट कितना है। आपका बजट 2.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, जितना भी बजट है, इवन 1 लाख भी बजट है, सबसे पहले अपना बजट लिखिए। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखिए, ठीक है। आप जब अपनी रिक्वायरमेंट लिख लें और अपना बजट लिख लें, अब आप अपनी रिसर्च चालू करिए। मार्केट रिसर्च इन द सेंस मीन्स आपको क्या करना है, जो भी जैसे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं आजकल जो किचन बना करके देते हैं, लाइक पेपर फ्राई, लिप स्पेस, होम लेन, होम सेंटर, होम टाउन, बहुत सारे, मतलब मेरे दिमाग में भी सबका नाम भी नहीं आ रहा है। सो देयर आर सो मेनी मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट जो आपका किचन बना के देते हैं। आप इन सब के पास जाइए, थोड़ा टाइम निकाल करके बैठिए, उनको अपना रिक्वायरमेंट बताइए, वो आपको पूरा 3D स्ट्रक्चर बना करके देते हैं और बजट बताना स्टार्ट करते हैं। तो सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले ब्रांड्स पे जाइए, क्या मटेरियल वो लोग यूज कर रहे हैं वो समझिए, क्या 3D मॉडल दिख करके आ रहा है जो आपने प्लान किया हुआ है वो देखिए। जब वो कोटेशन देते हैं पहले पूरे ब्रांड्स कवर कर लीजिए, उसके बाद अब आप रिसर्च करना स्टार्ट करिए, आप सर्वे करना स्टार्ट करिए जो लोकल ब्रांड्स हैं उनका, फिर लोकल वाले जो वेंडर्स होते हैं उनसे क्रॉस चेक करिए वो क्या मटेरियल यूज करने वाले हैं, कितना वो लोग कितने दिन में वो देंगे और ये करेंगे और फलाना करेंगे, धमकाना करेंगे। ऑब्वियसली अपनी एक लिस्ट रेडी रखिए कि किसने कितना आपको बजट दिया है और कौन कहाँ तक नेगोशिएट होकर के जा रहा है। अब आप जब इनसे अपना वो कर लें, तब आप ऐसे लोगों से बात करना स्टार्ट करिए जिनका किचन रिसेंटली बना है या आपको उनका किचन पसंद है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आप चाहते हैं उस तरीके का किचन उनका है। सपोज कोई होगा आपके पहचान में जिसने व्हाइट प्लेटफॉर्म लगवाया होगा, या जिस भी कलर का आपको प्लेटफॉर्म लगवाना हो उस कलर का प्लेटफॉर्म लगवाया होगा, एक्रेलिक शीट्स यूज करे होंगे, हाई ग्लॉस लैमिनेशन लैमिनेट्स यूज करे होंगे, तो जो भी चीजें यूज करी है उनसे पूछिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप जब बात करेंगे ना और वो अपने आपको एक्सपीरियंसेस बताएंगे, वो अपने एक्सपीरियंस में नेगेटिव एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई केस, हमारे केस में ये हुआ था कि पहले हम कंसिडर करना चाहते थे क्योंकि हम बजट को लेकर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड थे। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोकल वेंडर के पास जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार जो ब्रांड होता है वो एक तो अपने नाम का चार्ज करता है, दुनिया जहान की सर्विसेज, ये क्वालिटी चेक, वो क्वालिटी चेक, इसका चेक, उसका चेक, इस तरह की सर्विसेज के नाम पे वो सेकंड नंबर पे चार्ज करता है। तीसरा, मतलब दे चार्ज अ लॉट वेंडर्स का हमने सोचा, और हमको जैसे हमने काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स लोगों से बात करी थी तो हमको उनने प्रॉब्लम्स भी बताया था कि अगर आप लोकल वेंडर से करवा रहे हो तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे से करवाना जिसको चीज़ें पता हो कि कैसे प्लेटफॉर्म लगाए जाते हैं अच्छे से, मतलब टेक्निकली वो बहुत साउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके चला गया। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हमको ब्रांड के साथ जाना है कि हमको लोकल वेंडर के साथ जाना है। तो इनिशियली हम लोग लोकल वेंडर की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे थे, एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक कि यार विक्योर, हम लोग लिटरली 5 या 6 दिन तो हम रात में बैठ के हम डेली कहीं जाते थे, बात करके आते थे, और एट दी एंड हम जब नाइट में डिसाइड करते थे ना तो वी वर लाइक हम जीरो पे आ जाते थे, हम उसी पोजीशन पे आ जाते थे जिस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, अपन 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा दे देते हैं ब्रांड को। लोगों के जो सेल्स मैनेजर होते हैं जो बेचते हैं आपको ये स्कीम, वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि वो आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं। एक ब्रांड था जिसने हमको कोटेशन दिया, जिसका जो कोटेशन था ना वो हमारे इवन जो लोकल वेंडर का कोटेशन था उससे भी काफी कम आ रहा था। तो वी वर लाइक, मैंने कहा चलो ये हमारे बजट में भी आ रहा है। जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट था वो ये था कि मुझे ऑल वाइट किचन चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए था। दूसरा मेरा सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये था कि मुझे कोई भी इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लगवाना था, चाहे वो हॉब हो, अवन हो, या फिर इवन डिश वॉशर हो, इस तरह की कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगवाना था। ये मैं बहुत क्लियर थी डे वन से ही। तो जो मेरे रिक्वायरमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग जो हमको बजट दिया जाता था, जिस तरीके का बजट दिया जाता था, तो हम लोग पहले कंसिडर कर रहे थे, मैं कंसिडर कर रही थी कि हम ऊपर वाला एक्रेलिक बना देते हैं और नीचे वाला जो है वो ग्लॉसी फिनिश में जो लैमिनेट होता है वो यूज़ कर लेते हैं। बट विक्की वॉज इन अ फेवर कि बनवाना है तो पूरा एक्रेलिक बनवाओ और नहीं तो फिर पूरा हाई ग्लॉस बनवाओ, और मुझे था कि मुझे एक्रेलिक चाहिए ही चाहिए था।
तो हम लोगों को जो इनिशियली बजट दिया जा रहा था ब्रांड्स की तरफ से, वो दिया जा रहा था अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 lakh पूरा एक्रेलिक किचन बनवाने का, और जो भी मैं उनको बनवाती थी उसके अकॉर्डिंग 9 to 10 lakhs उनको बजट देते थे। तो हम लोग तो बिल्कुल बहुत ही निराश और हताश होकर के फिर थोड़े मोटे मॉडिफिकेशंस उसमें करवा कुरकू करके मिनिमम वो आते थे तो वो 8 lakhs या 7.5 lakhs तक आते थे। देर वॉज वन ब्रांड जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो टीवी पे ऐड करते हैं, जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास हम गए थे, उन्होंने हमको कोटेशन दिया था 3.5 lakh rupees। एंड जब हमको और जो लोकल वेंडर्स थे वो हमको बजट दे रहे थे 6 lakh rupees का, तो आप सोचो 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh मिल रहा है जिसमें हमको 3.5 lakh rupees का बजट अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली हम लोग तो उसी में जाएंगे कि यार चलो कम बजट में मिल रहा है और जैसा किचन हम जा रहे हैं हमको वैसा किचन बना के दे रहे हैं। किस ब्रांड के बारे में बात करी उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं, ये वो ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर ये क्रिकेटर हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के, और इनकी जो वाइफ है शी इज अ वेरी बिग स्टार ऑफ बॉलीवुड जिसने शाहरुख खान के साथ काम किया हुआ है फर्स्ट मूवी इनकी। तो अब आप समझ जाओ ये लोग इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं काफी ज्यादा, टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आते हैं। तो एक अच्छा खासा नाम था, हमको ये बोला था कि आपको 10 years की वारंटी दी जाएगी और हमने हमारे कंडीशन बता दी थी कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम भोपाल में रहने वाले हैं, तो हमको ये लग रहा था कि हमारे पीछे एक इंजीनियर और सुपरवाइजर रहेगा जो ध्यान रखेगा चीजों का, क्वालिटी चेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना ढिमकाना। मैं बिल्कुल रेडी हो गई कि हाँ चलो इतने बजट में अपना मैं जो बुकिंग अमाउंट होता है वो हम मेरे को पे करने के लिए जाना था, समथिंग 50-60,000 rupees था, विक्यूज इन ऑफिस निकल गया था। एंड जब मैं वहां पर पहुंची होगी ना, बहुत बड़ी टीम होती है, सेल्स वाला बंदा अलग होता है, जो वहां पे छोटे छोटे इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, इनके सीनियर इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो वहां पर जो डिजाइनर था जो ये पूरा बनाता है 3D मॉडल में वो सब करता है, जिसने हमको बना के दिया था वो बंदा प्रेजेंट नहीं था। जो सेल्स वाला बंदा था जिससे हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो हमको कन्वेंस करा रहा था प्राइस के बारे में, कोटेशन वोटेशन, वो बंदा भी उस दिन प्रेजेंट नहीं था। उस दिन कोई नई बंदी प्रेजेंट थी जो उन्हीं की टीम की थी, तो उन्होंने बोला मेरे से बात करके कि मैडम ये आज आपको डील करेंगे तो वो सब आपको करवा देंगे। आई वॉज लाइक ठीक है ओके चलेगा। उस बंदी ने जो मेरा घर का मॉडल था वो पूरा बना करके दिया, जब उसने बना के दिया तो सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिकली जो प्राइस आती है वो आई 6.5 lakhs। एंड आई वॉज टोटली कन्फ्यूज, मैंने बोला सॉरी 6.5 lakhs, कल तो हमारी बात 3.90 lakh ऐसे कुछ हुआ था, 3.90 था हाँ। तो उसने मुझे बोला नहीं मैम आपका तो 6.50 lakh आ रहा है। तो आई वाज लाइक नहीं मेरी कल बात हुई थी तो 3.90 lakh आ रहा था। एंड मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था कि कुछ तो कियोस बहुत गंदा हुआ है, तो मैं थोड़ी गुस्से में भी आ गई थी क्योंकि मैंने वहाँ पर अपने कम से कम 3 से 4 घंटे वेस्ट करे। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने वही जो मैनेजर जो सेल्स मैनेजर था उससे मैंने बात किया जिससे मैं डील कर रही थी, और मैंने कल तो आप हमको बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे में हो जाएगा और आज आप बता रहे हो कि इतना अमाउंट हो गया है। उसने बोला मैम रुकी मुझे बात करने दीजिए क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। उसने फिर उस बंदी से बहुत देर तक बात करी, बहुत उसमें भी अगेन आधा एक घंटा इन लोगों के इंटरनल कॉल्स में लगा होगा। उसके बाद जाकर के मुझे क्लियर हुआ, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि मैडम एक्चुअली गलती ये हो गई थी कि उनका जो बंदा था इंजीनियर था जो कल बैठा हुआ था जो डिज़ाइन बना रहा था सॉफ्टवेयर पे, उसने इतना बड़ा ब्लंडर ये कर दिया था कि जो ऊपर के बॉक्स कैबिनेट्स होते हैं ना उसने एक कैबिनेट एक्रेलिक का बनाया था, 2 कैबिनेट हाई ग्लॉस लैमिनेट के बना दिया, एक्रेलिक का बनाया था 2 कैबिनेट हाई ग्लॉस लैमिनेट के बना दिए, ऐसे करके उसने पूरा मेरा किचन डिज़ाइन कर दिया था। मतलब और गलती ऑब्वियसली मैं तो भड़की उन लोगों के ऊपर कि आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, आपका वहाँ पे इंजीनियर प्रेजेंट था, आपका वहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर प्रेजेंट था, आप खुद सेल्स वाले वहाँ पर प्रेजेंट थे, आप लोगों को नहीं दिखा कि इसकी मिस्टेक। हालांकि उन सबने सॉरी बोला, मैटर को बहुत वो किया और उन्होंने फाइनल कर कुरा करके उन्होंने बोला नहीं 6 से कम तो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने उसको बोला कि मैं भले ही किचन किसी से भी बनवाऊंगी इस ब्रांड से नहीं बनवाऊंगी, लिटरली उस बंदे को यही बोला। मैंने कहा कल को आप मेरी साइट पर इस तरीके की भजड़ कर दोगे तो आप मुझे बताओ कि मैं किससे क्वेश्चन करूंगी और कौन मुझे आंसर करने के लिए प्रेजेंट रहेगा। एंड आई वाज सो पिस्ड ऑफ कि मैंने विक्की को बोला इनसे काम नहीं करवाना है। एक फ्रेंड है शी इज इंटीरियर डिजाइनर, शी हैज आल्सो अ यूट्यूब चैनल नेम्ड एज इंटीरियर माता। सो अनन्या से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने मुझे बता दी थी कि प्लेटफॉर्म तुझे क्या लगवाना है, तो जो मुझे प्लेटफॉर्म लगवाना था वो ये ब्रांड्स लगा के नहीं दे रहे थे, इनको ये पता भी नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। देवर ओनली इंसिस्टिंग मी कि नहीं आप तो कॉर्ड्स लगवाइए, आप तो कॉर्ड्स लगवाइए, कॉर्ड्स ही अच्छा होता है मैडम, वही टॉप पे चल रहा होता है, जबकि मार्केट में इससे अच्छे अच्छे स्टोन्स अवेलेबल हैं। तो वो तो ऑब्वियसली देखो उनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, देवर नॉट टेक्निकल गाइज, देवर जस्ट सेलिंग देयर जो भी उनकी पिच है और वो सेल कर रहे थे, सेल्स वाले थे वो बंदे। तो ठीक है, तो वो सब जो कियोस्क दिखा ना मुझे वो देख करके मैं बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गई। मैंने बोला मुझे यहाँ काम नहीं करवाना है। मैंने पूरा सिनेरियो अनन्या को भी बताया, फिर उसने मुझे एक इंसिडेंस बताया उस ब्रांड से रिलेटेड। थैंकफुली अब क्या हुआ, उसी दिन जब मैं घर पे, हम जिस टाइम पे हमारा जो घर है ना
हमारे नेबर्स देवर ऑल्सो, उनके घर में भी उस टाइम काम स्टार्ट हो गया था वुडन का, एंड जिस ब्रांड से हम डील करके आए थे उसी ब्रांड वालों ने उनका पूरे घर में काम किया था. रीजन बिहाइंड दैट इज कि उनको भी सेम रीजन जो है कि जो दीदी है वो शी इज अ मैनेजर, एंड जो भैया है ही हैज अ टूरिंग जॉब. तो उन्होंने यही सोचा था कि यार हमारे पीछे कोई एक इंजीनियर आता है, मतलब उन्हें उस घर का भी काम देखा. और हम लोगों ने उनसे पूछा भी, भैया से कॉल करके जो हमारे नेबर्स है, कि आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ ये वो करके. तो उन्होंने तो हमको नेगेटिव फीडबैक दिया. एंड इनफैक्ट जब पूरा हमारा घर कंप्लीट हो गया था, हम लोग शिफ्ट भी हो गए थे, तो वो दीदी मेरे घर पे आई भी थी एंड मैंने उनसे भी रिव्यूज पूछे, तो शी वाज नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज दिस, हम लोगों ने जो काम करवाया वो अनन्या के कारपेंटर से, क्योंकि हमको लोकल कारपेंटर भी एक तरह से नहीं चाहिए था. तो हमारा जो नेक्स्ट कोटेशन आया वो अनन्या का जो कारपेंटर है ना, ही इज अ लोकल कारपेंटर, बट उन्होंने बहुत काम करके रखा है, उनको पता है स्टोन्स के बारे में, मतलब आपसे ज्यादा उनको स्टोन के बारे में पता रहेगा, आपको खुद से भी अच्छे अच्छे एडवाइस देंगे. तो हम लोगों को वो बहुत सही लगा और हम अनन्या की साइट्स देख ही चुके थे जाकर के लाइव की कैसा काम उन्होंने किया हुआ है. सो ही हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम इनको ही काम देते हैं. नाउ दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किचन किस कलर में चाहिए, आपको किस मटेरियल में चाहिए, आपको अक्रेलिक किचन बनवाना है, आपको हाई ग्लॉस लैमिनेट किचन बनाना है, या आपको मैट लैमिनेट लगवानी है, आपको कैसा किचन चाहिए, या आप उसके ऊपर भी बजट बहुत हद तक डिपेंड करता है. आप नॉर्मल लैमिनेट्स लगवाओगे ना, जो सिंपल लैमिनेट होते हैं, उसमें चाहे आप हाई ग्लॉस लगवाओ चाहे आप मैट लैमिनेट्स लगवाओ, आपका बजट बहुत कम हो जाता है. मतलब आपका आराम से किचन 2 से 2.5 लाख में जैसे मॉड्यूलर किचन हाई ग्लॉस लैमिनेट के साथ बना सकते हो. आपको ये इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं लगवाना है, तो आप आराम से इतने में आपका किचन बन जाएगा. लेकिन अगर वहीं आप एक्रेलिक बनाते हो तो आपका चार्जेस डबल हो जाते हैं. एक्रेलिक की फिनिश थोड़ी अलग होती है, वाटरप्रूफ प्लाई यूज कर रहे होते हो, तो बहुत सारे जो कारपेंटर्स है वो सजेस्ट करते हैं आप नीचे नीचे वाटरप्रूफ लगा लो, लेकिन आप ऊपर सब नॉर्मल वाली प्लाई लगा लो, तो उससे भी बजट वो लोग बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं. मतलब आप कटिंग बजट कटिंग कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि किचन जैसा एरिया है वहां पर हम लोगों ने पूरा ऊपर से नीचे तक वाटरप्रूफ प्लाई ही लगवाई है. मुंबई में मॉइस्चर का काफी इशू होता है वुड का, तो हमने सारी जगह पे जितनी भी हमारे घर में प्लाई यूज हुई है सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई यूज करी गई है. और क्योंकि हम लोगों का सिविल वर्क एड ऑन हो गया था, मतलब हमारे किचन का अगर हम सिविल वर्क एड ऑन नहीं करवाते, लाइक प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करवाते, हम टाइल्स चेंज नहीं करवाते, तो हमारा किचन आराम से 3.5 टू 4 लाख में आराम से बन जाता. लेकिन क्योंकि हमने सिविल वर्क ऐड करवा दिया तो उसमें 1 लाख रुपए और आराम से आप मान लो कि ऐड हो गए हैं. फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म हमने चूज किया, जो पत्थर हमने स्टोन लगवाया वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, जो टाइल्स लगवाई टाइल्स तो खैर सस्ती आती है, रेत मिट्टी जो भी लेकर के आते हैं, फिर लेबर लगती है, तो यू नो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें वो एडेड होकर के. तो जो ऑल इन ऑल पूरा किचन मेरा बना हुआ है विथ लाइट्स एंड फॉल सीलिंग के साथ, इसकी टोटल कॉस्टिंग पड़ी है हम लोगों को 5 लाख रुपीज. हमारा जो बजट था वो 3 to 3.5 lakh ही था, बट हमारा वो हमने एक्सटेंड इसलिए कर लिया क्योंकि जो डे वन से थॉट प्रोसेस था वो था कि किचन बनाने के बाद ही घर में घुसेंगे, क्योंकि वो फिर ना आपके जो प्रोसेस होता है किचन बनने का, फिर से आप पूरा मिट्टी धूल ये वो, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है मेजर, वो हमको करा के ही जाना है, जिसमें से किचन बहुत मेजर रोल प्ले करता है. भले हम बाहर का काम थोड़ा कम करवा लें, एक आध चीज़ें कम कट करवा देंगे, जो हमारी शूशा वाली जो होती हैं वो चीज़ें हम कट कर देंगे, बट हम किचन पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, विच वॉज रियली अ गुड डिसीजन. बिकॉज आप सोचोगे 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, तो आप सोचो वो फिर से जीरो से प्रोसेस होता है आपको पूरा घर साफ करना और ये करना और वो करना. तो इसलिए मेरा ये था कि किचन पूरा हम बना करके ही अंदर जाएंगे. व्हाट वी हैव यूज्ड इन द किचन, हमारे कैबिनेट्स हैं दे ऑल आर एक्रेलिक फिनिश में बने हुए हैं, अंदर की जितनी भी प्लाई है दे ऑल आर वाटरप्रूफ प्लाई. उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो हम लोगों ने G5 सिलेक्ट किया है, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म. के बाद जो हम लोगों ने टाइल्स यूज करी है वो नॉर्मल जो मार्बल टाइल्स होती है वो यूज करी है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. उसके अलावा हमने कोई भी इनबिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लगवाए हैं, जिससे हमारी काफी कॉस्ट कटिंग हुई है. मतलब अगर हम वो इंक्लूड कर देते, उसके बाद जो फैंसी बास्केट्स एंड विकर बास्केट्स आजकल आती हैं, वो विकर बास्केट लगाने के अकेले 25-30 हज़ार रुपए ऐड हो जाते हैं. तो कोशिश करिए मेरा किचन जितना ज्यादा सिंपल हो और फंक्शनल हो, उतना ज्यादा मैं उसको सिंपल एंड फंक्शनल रख सकूं, साथ ही साथ मुझे क्लीनिंग बहुत ज्यादा ना करनी पड़े. लोगों को लगता है व्हाइट कलर है तो क्लीन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है. बहुत ईजी टू क्लीन किचन है, बहुत आराम से इजिली क्लीन हो जाता है. एक्रेलिक है, आप एक्रेलिक के ऊपर इवन आप मार्कर से भी कुछ चीज या स्केच पेन से भी कुछ लिखोगे ना, तो आराम से वेट वाइप से आप आराम से उसको क्लीन कर सकते हो. इट्स दैट सिंपल. हमने बिल्कुल हैंडललेस किचन रखा है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सीमलेस लगता है और अच्छा लगता है और नीट एंड क्लीन लगता है और बड़ा बड़ा लगता है. सो दिस वॉज द मेन रिक्वायरमेंट. सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.